हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। ये वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से 2022 में आप सभी लोग अपने ब्लॉग को, वेबसाइट को एडसेंस में अप्लाई कर सकते हो। एडसेंस में साइन अप किस तरीके से करना है, पूरा का पूरा जो नया प्रोसेस आया है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड हाल ही में मैंने 10-15 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि जो ऑटो ब्लॉगिंग होती है, ऑटोमेटिक हम जो है प्लगइन का यूज़ करके पोस्ट करते हैं, उससे अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। एंड मैंने कहा था कि मैं पूरी साइट बनाऊंगा, उसको अप्लाई करूंगा, लाइव आपको बताऊंगा क्या होता है। तो पूरी साइट मैंने क्रिएट करके रेडी कर दी है एंड अभी लाइव हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। एंड वीडियो में बताऊंगा किस किस तरीके से आपको वर्क करना है, एंड आगे आपको सब पता चल जाएगा कि अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखते रहना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब भी ऐसी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना ताकि वीडियो डालते ही आपके पास पहुंचे। अब ये जो साइट मैंने क्रिएट करी है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली जो आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ 5 से 10 पोस्ट जो है मैं मैन्युअली भी डालने वाला हूँ ताकि अप्रूवल के जो चांसेस है वो चांसेस बढ़ जाए। बाकी यहाँ पर लगभग 70 से 80% जो आर्टिकल्स रहेंगे वो सारे ऑटोमेटिक ही रहेंगे, जो कि अभी मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड डिटेल में मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो जो हमारी साइट है वो साइट वर्डप्रेस पर मैंने बना रखी है। यही साइट आप जो है ब्लॉगर पर भी कर सकते हो। अगर ब्लॉगर पर आपको जानना है कि ऑटोमेटिक पोस्ट फीड से किस तरीके से लेते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो आ जाएगी। यहाँ पर देखो ये जितने भी आपको दिख रहे 55 आर्टिकल्स अभी यहाँ पर जो है पब्लिश है, इनके टाइटल्स वगैरह आप देख सकते हो सारे ऑटोमेटिकली आए हैं। मैंने शेड्यूल कर रखा है, पर डे 2 आर्टिकल जो है ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाते हैं। एंड इस साइट को बनाए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स आते हैं। एंड आज जो है मैंने एक आर्टिकल खुद से टाइप करके डाला है एंड अप्लाई करूंगा। एंड जो जवाब जब तक मुझे रिप्लाई आएगा एडसेंस की तरफ से, तब तक मैं यहाँ पर 5 से 6 आर्टिकल्स और डाल दूंगा। एंड उसी के साथ मैं जो है अपनी दूसरी साइट से कुछ यहाँ पर ट्रैफिक भी भेजूंगा, जिससे जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। एंड अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने साइट को बिल्ड करा है। सबसे पहले साइट का हम जो है ओवरव्यू देख लेते हैं किस तरीके की दिखाई दे रही है, कैसा मैंने कस्टमाइज किया है। तो वर्डप्रेस की फ्री थीम को मैंने यूज़ किया है, इस तरीके की कुछ साइट्स देखने को मिलती है, कुछ न्यूज़ वगैरह के आर्टिकल्स डाल रखे हैं। 6 पेज यहाँ पर है, देख सकते हो भाई, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, सारे पेज मैंने क्रिएट करे हैं, सब जगह पर मैंने लगा दिया, मेन्यू सही से बना दिया, पूरा पूरा बढ़िया सी वेबसाइट मैंने कस्टमाइज़ करके यहाँ पर बना दी है। अब इस साइट को हमको जो है अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने एक नया पूरा का पूरा यहाँ पर सेक्शन बनाया है, एक नई ईमेल आईडी क्रिएट करी है। एंड अब हम जाएंगे एडसेंस पर। अभी तक टोटली मेरे पास जो है 4 एडसेंस अकाउंट है एंड ये मैं 5वां बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। गेट स्टार्ट के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अब देख सकते हो सारा जो लुक है वो चेंज हो चुका है। हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारी वेबसाइट का एड्रेस डालना है। अगर आपकी ब्लॉग स्पॉट पर साइट है तो भी आप इस सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्लॉगर पर अगर आपने लगा रखा है कोई सा भी आपने लगा रखा है मतलब डोमेन, तो भी आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आपको सजेशन चाहिए तो यस करना है। यहाँ से आपको अपनी जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेलेक्ट करते हैं। एंड जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करने के बाद स्टार्ट यूजिंग एडसेंस के सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद भाई हमारे सामने ऐसा ऑप्शन देखने को आ जाएगा, हमारा एडसेंस अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हमें जो है हमारी पेमेंट की डिटेल डालनी है, उसके बाद हमें जो है एड्स कोड वगैरह डालना है एंड उसके बाद लेट्स गो के सेक्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमें कस्टमर इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो आपको इस तरीके से डालनी है कि मतलब एडसेंस को पता नहीं चल पाए कि आपके पास पहले से अकाउंट है। एड्रेस वगैरह थोड़ा सा चेंज करना है, तो एड्रेस लाइन 1 एंड टाउन सिटी पोस्ट कोड नंबर वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, उसके बाद वीडियो में आगे मिलते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो पहला काम मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली कर दिया है। मेरा जो भी एड्रेस वगैरह था थोड़ा सा डिफरेंट मैंने डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलता है कि हमें एड्स वगैरह लगाने हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा ये यहाँ पर सर्च करेगा कि कैसे कैसे एड्स वगैरह लगाने हैं। यहाँ से ऑटो एड्स आपको चालू कर देना है, उसके बाद अप्लाई टू साइट के सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से साइट आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें गेट कोड का सेक्शन मिलेगा, तो ये कोड हमें उठाना है, कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद हमारी साइट में जाकर इस कोड को हमें जो है पेस्ट करना है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने हेडर एंड उसका जो है प्लगइन ले रखा है, तो सेटिंग पर क्लिक करके इंसर्ट हेडर एंड फुटर वाला प्लगइन पर हम जाएंगे। एंड आप भी ये प्लगइन ले सकते हो, बाकी थीम में जाकर डायरेक्टली भी डाल सकते हो, लेकिन मैं प्लगइन का यूज़ करूँगा
यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक स्क्रिप्ट डाल रखी है, दूसरी एक और डाल दूंगा एडसेंस की, एंड उसके बाद मैं जो है इसे सेव कर दूंगा। ब्लॉगर में भी सेम काम आप कर सकते हो, कहीं पर भी जाकर थीम के सेक्शन पर जाकर हेड के नीचे आपको ये जो है कोड डालना है। ये काम आपने कर लिया है, डन के सेक्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई टू साइट के सेक्शन पर क्लिक कर देना है। ये काम जैसे ही करोगे आपका एड्स का जो काम है वो काम भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, एंड जैसे ही लेट्स गो के सेक्शन पर आप क्लिक करोगे आपकी साइट जो है एडसेंस में अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लेट्स गो के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब वहाँ पर जैसे क्लिक करोगे दोबारा आपको कोड देखने को मिलेगा, ये कोड हमने अभी जस्ट पहले ही डाला था, सेम कोड है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट नज़र डाल लो, ये वाला कोड है, सेम कोड है, फिर भी कुछ लगता है कि भाई इसको अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी सेम ही कोड है, कुछ भी चेंज नहीं है। एंड आपने ऑलरेडी डाल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद रिक्वेस्ट रिव्यू के सेक्शन पर क्लिक करना है। ये काम जैसे ही करोगे आपका सारा काम हो चुका है, आपकी जो साइट है वो साइट भाई यहाँ पर एडसेंस में अप्लाई हो चुकी है। एंड यहाँ पर अब कुछ टाइम लगता है, वो टाइम 5 से 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी हो सकता है, 6 घंटे 5 घंटे, कभी भी आपको जो है रिप्लाई आ सकता है एडसेंस की तरफ से। एंड इस तरीके से आपको पूरा पूरा प्रॉपर वे है जो कि मैंने आपको बता दिया कि एडसेंस में अपनी साइट को किस तरीके से लगाना है। पूरा मैंने अकाउंट बना के क्रिएट कर दिया, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है फिर भी मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट करा है। एंड अब देखते हैं कब इस साइट से मतलब एडसेंस से हमें रिप्लाई आता है, साइट अप्रूव होती है फिर नहीं होती है। हमारी साइट अभी जो है पेंडिंग में, तो अब मैं वहाँ पर जो है डेली कुछ आर्टिकल डालूंगा, दो तीन आर्टिकल खुद डालूंगा। ऑटोमेटिक पोस्ट हमने 54 कुछ डाल दी थी, एंड 54 बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है, आपको पता ही होगा। एंड अब जो है मैं खुद मैन्युअली पोस्ट भी डालूंगा, एंड हल्का फुल्का ट्रैफिक भी ड्राइव करूंगा ताकि जो है चांसेस ज़्यादा हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी साइट को अप्लाई कर सकते हो। होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।